अब तक हमने अप्रैल मई जून की प्रविष्टियां पास की है। इन 3 महीनों में हमने केवल और केवल प्रविष्टियों पर जोर दिया था, जो कि जरूरी भी था। आज हम जुलाई की प्रविष्टियां पास करेंगे। जुलाई महीने में टैली में आने वाले हर एक ऑप्शन को हम समझेंगे कि किस ऑप्शन का कहां क्या उपयोग है या फिर किस जगह क्या डिटेल फिलअप होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जुलाई की एंट्री पास करेंगे। तो जुलाई की एंट्री पास करने के लिए आपको पहले डेट चेंज कर लेनी है। यहाँ पर आपको 1 जुलाई की डेट है वो डाल देनी है। तो यहाँ पर 1 आप लिख के यहाँ पर जुलाई टाइप कर सकते हो। जैसे आप जुलाई टाइप करके इंटर करोगे, आपकी यहाँ पर डेट है वो चेंज हो जाएगी। अब आ रही है 1 जुलाई, ठीक है। अब आपको पहली एंट्री पास कर देनी है। तो आपकी पहली एंट्री करिए कंपनी पेड बिल ऑफ जून मंथ और वारिस 2200 बाई चेक। कंपनी ने 2200 रुपए का चेक से बिल पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं बिल का, तो पेमेंट वाउचर में आ जाना पहले। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने पेमेंट किया तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेंगे। और कितने रुपए का पेमेंट किया है तो यहाँ पर आपको 2200 रुपये सो रहे थे, 2200 रुपये का पेमेंट हम यहाँ पर कर देंगे, एंटर कर देंगे और यहाँ पर HDFC बैंक ले आएंगे। अब हालांकि यहाँ पर ऑप्शन चेक का है, लेकिन क्या होता है अधिकतर बार जो पेमेंट होता है वो या तो कैश में होता है या फिर ऑनलाइन, या तो हम कैश में पेमेंट करते हैं या फिर नेफ्ट वगैरह से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। चेक वगैरह इश्यू बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर एग्जांपल के लिए चेक लिया, ठीक है। तो यहाँ पर HDFC बैंक लेके इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, यहाँ पर चेक आ जाएगा, ठीक है। चेक यानी कि चेक से पेमेंट हो, इतना का अमाउंट कब चेक रेंज हम आगे की वीडियो में समझेंगे चेक रेंज क्या होती है। यहाँ पर आपको चेक नंबर डाल देना है कि भाई आपके चेक डिजिट जो होते हैं चेक नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना होता है, ठीक है। चेक नंबर डालने के बाद में चेक की डेट डाल देनी है और यहाँ पर आपको नरेशन पास कर देना है, ठीक है। बिंग कंपनी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ जुलाई 2022 मंथ, एंटर कर देना और एंटर कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है वो आप चेक कर लेना। कंपनी राइज एन इनवॉइस टू 1,45,000, ठीक है। यहां पर RS 1,45,000 टू अल्फा सॉल्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सर्विस, यानी कि अल्फा सॉल्यूशन को आपने क्या किया 1,45,000 रुपए का कंसल्टिंग सर्विस का बिल आपने बना के दिया। तो यहाँ पर आपको किस में आने जाना है, जनरल वाउचर में आ जाना है और यहाँ पर आपको बिल है वो बना लेना है। तो यहाँ पर आपको अल्फा अल्फा सॉल्यूशन की लेजर बनी हुई नहीं है तो आपको बना लेनी है क्रिएट में जाकर, ठीक है। एंटर कर देनी है और यहां से आपको अल्फा एंटर कर देना है और यहां पर आपको इसका अंडर डाल देना है। तो यह किस प्रकार का नेचर रखती है पार्टी, तो सैंडरी डेबिटर्स यानी कि डेटर्स का नेचर रखते हैं, देनदार का नेचर रखते हैं, क्योंकि हमने इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल वाइज डिटेल भी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर कंपनी का एड्रेस वगैरह आ जाएगी, कौन सी क्या एड्रेस उसका है, जैसे कि पूरा एड्रेस आ जाएगा। मैंने सिंपल रखा है तो यहाँ पर स्ट्रीट नंबर 2 जो भी है गली बड़ा बाजार जो गांधीनगर जयपुर, इस प्रकार से जो भी उनका एड्रेस होता है वो आपको रख देना है। यहाँ पर स्टेट वगैरह आ जाएगा, यहाँ पर बैंक की डिटेल GST नंबर वगैरह आ जाएगा, लेकिन ये हम बाद की चीजें बाद में पढ़ेंगे। इसका अमाउंट हम यहाँ पर लगा देंगे 1,45,000, तो यहाँ पर 1,45,000 रुपये यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ऑन अकाउंट में लेके चलना एक बार और यहाँ पर आपको अपनी सर्विस है वो ले लेनी है, कंसल्टिंग सर्विस, ठीक है। और इंटर कर देना है और इंटर कर देना है, इंटर कर देना, यहाँ पर नरेश लिख के एक्सेप्ट करवा देना, ठीक है। सिंपल है, कंपनी इश्यू चेक 30,000 सैलरी ऑफ जून मंथ एंड एडजस्ट एडवांस सैलरी ऑफ आरएस 2,000। आपको क्या करना है, सैलरी इश्यू करनी है, 2,000 रुपये का सैलरी एडवांस है वो
मैनेज करना, एडजस्ट करना। तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन में आ जाना है। सिंपली पेमेंट ऑप्शन में आने के बाद में यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है। 30,000 की सैलरी हम पेमेंट करते हैं, एंटर कर देंगे। और यहाँ पर आपको चेक इश्यू किया है, तो चेक कितने का इश्यू होगा वो आपको जान लेना है कि भाई 30,000 की सैलरी है लेकिन चेक है वो 30,000 का इश्यू नहीं होगा। यहाँ पर इश्यू चेक ऑफ आर एस 30,000 नहीं होगा यहाँ पर, ये एंट्री थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर इश्यू ऑफ चेक आएगा 28,000, ठीक है। 28,000 का जो चेक है वो इश्यू होगा टुवार्ड सैलरी का जून मंथ एंड एडजस्ट एडवांस सैलरी ऑफ आर 2,000, ठीक है। इस प्रकार से एंट्री होगी, यानी कि आपने 28,000 रुपये का चेक, सॉरी हाँ 28,000 रुपये का चेक इश्यू किया, 2,000 रुपये आपने एडजस्ट के लिए सैलरी। तो यहाँ पर जो चेक इश्यू होगा वो कितने का होगा, 28,000 रुपये का। तो यहाँ पर 28,000 हम टाइप कर देते हैं, एंटर कर देंगे। और यहाँ पर आपका, सॉरी यहाँ पर तो 30,000 ही आएगा सैलरी में, क्या आएगा 30,000 ही आएगा। और जो HDFC बैंक में जो चेक वो 28,000 रुपये का जा रहे हैं, 28,000 रुपये का आपका चेक जा, चेक नंबर वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे, चेक की डेट आ जाएगी। और यहाँ पर आ जाएगा आपका एडवांस सैलरी, यानी कि एडवांस सैलरी में से आपको 2,000 रुपये कम करके दिखाने, 6,000 रुपये की सैलरी ली थी उसमें से 2,000 हमने यहाँ पर दिखा दिए और 4,000 रुपये आपके शेष रह गए, ठीक है। आया समझ रहे, यानी कि आपको 30,000 उसी मंथ में सैलरी तो पूरी दिखानी है, 30,000 दिखानी तो वो दिखानी है। फिर HDFC बैंक में आपने चेक कितने का दिया, 28,000 का दिया, तो 28,000 का जाएगा। अब बचे 2,000 का हमें क्या करना है, 30,000 में से 2,000 को एडजस्ट करके दिखाना है। तो 28,000 का चेक कर दिया, बाकी 2,000 हम एडवांस सैलरी दिखा देंगे। इससे ये पता चल जाएगा क्योंकि 28,000 का पेमेंट हो गया, 2,000 उसमें एडवांस दिए हुए थे वो एडजस्ट हो चुके हैं, वो आपको यहाँ पर क्लियर नरेशन में दिखा देना है कि कंपनी पेड सैलरी ऑफ आर एस 30,000 एंड चेक इश्यू ऑफ आर एस 28,000, ठीक है। एडजस्ट सैलरी ऑफ आर एस 2,000 जो बंदे का नाम, उस प्रकार से आपको ये शो कर देना है जिससे कि ये ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देना है, ठीक है। फिर कंपनी सब्सक्राइब है मैनेजमेंट कंसल्टिंग जर्नल विद इंडिया टाइम एंड पे आर एस जो भी 24,000 बाई चेक द सब्सक्रिप्शन स्टार्टेड जुलाई टू जून। अच्छा, इसने क्या है कि इन्होंने सब्सक्राइब किया है मैनेजमेंट जनरल कंसल्टेंसी जनरल जो भी है इंडियन टाइम से। तो इंडियन टाइम वालों की क्या है कि न्यूज पेपर संस्था है, तो न्यूज पेपर से हमने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट यानी कि एड से संबंधित कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, जिसको हम क्या बोल नाम दे रहे हैं, कंसल्टेंट जनरल सब्सक्रिप्शन लिया है। तो ये आपको शो कर देना है 24,000 रुपये में, ठीक है। और द सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है वो जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से, यानी कि इसी मंथ से ये जो सब्सक्रिप्शन है स्टार्ट है। तो एंट्री कैसे होगी वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन, क्योंकि हमने 24,000 रुपये का चेक इसको पेमेंट कर दिया और सर्विस मिलने भी स्टार्ट हो चुकी है, इसने बताया 1 जुलाई को, तो इसका मतलब है कि सर्विस मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सर्विस है मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, तो वो आपको चेक कर लेना, ठीक है। 1 जुलाई से यानी कि ये हो गई है। तो यहाँ पर आपको लेजर बनानी हो, क्या बनानी है, यहाँ पर आपको नई लेजर बनानी है, प्रीपेड जनरल सब्सक्रिप्शन अंडर आ जाएगा करंट अशेयर्स। हम समझेंगे कि भाई इसका करंट अशेयर्स क्यों लिया, वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं इसी लेजर को कंप्लीट कर लेता हूं और यहां पर इसको, ठीक है। अब मैंने प्रीपेड जनरल सब्सक्रिप्शन है जो एडवर्टाइजमेंट सब्सक्रिप्शन है जो भी आप जो भी मनाओ, तो इसको प्रीपेड क्यों लिया है भाई, एडवर्टाइजमेंट है तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट या प्रीपेड जनरल सब्सक्रिप्शन। देखो यहां पर आप ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा कमी है। ये मान लो कि आपको 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2024 ले लो, इस प्रकार से आपका ये सब्सक्रिप्शन है, यानी कि 1 जुलाई 2022 से 2024 है, यानी कि 2 साल का, ये 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मान के चलते हैं कि 2 साल का ये सब्सक्रिप्शन है। या फिर ऐसा कर लो, 1 साल को मान लो, 1 साल का बेटर रहेगा, तो 1 साल का मान लेते हैं इसको, हम 1 साल का मान के हुए चलते हैं, ये 2023 तक है,
ठीक है, तो यहाँ पर एक साल का सब्सक्रिप्शन है आपका, एक साल का सब्सक्रिप्शन है तो इसको कैसे मैनेज करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया, जुलाई की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया और आपका 2023 तक चलेगा, यानी कि इस मंथ में भी चलेगा, अगले आने वाले समय में भी चलेगा, यानी कि अगले मंथ में चलेगा। यानी कि हमने 24,000 पेमेंट किया, उसका उसका हमारे पास पूरा वर्क नहीं हुआ, यानी कि हमने 24,000 दे दिए, पेमेंट कर दिए, अब उसकी सर्विस हमें अभी तक कंप्लीट नहीं मिली है, अधूरी मिल रही है, फिर मिलती रहेगी। ऐसी कंडीशन को हम क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है जो प्रीपेड होता है कि पहले भुगतान कर दिया, सेवाएं बाद में मिलेगी। तो ये अपना क्या होता है, एक तरीके से एसेट्स होता है, संपत्ति होता है। कि संपत्ति में क्यों लिया, करंट संपत्ति में क्यों लिया, चालू संपत्ति बोलते हैं इसमें लिया कि हाल फिलहाल में इनकी सर्विस है वो करंटली रनिंग में है, चल रही है, हम इनसे सर्विस ले रहे हैं, है ना, इसलिए इसको हम करंट असेट्स में शामिल करते हैं। यानी कि इनसे असेट्स में इसलिए शामिल करते हैं कि इनसे सर्विस हमें लेनी होती है, इसलिए हमने इसको असेट्स में शामिल किया, वो भी करंट में, चालू संपत्ति में। इनकी चालू संपत्ति में कि इस करंट समय में इनकी सर्विस है वो रेगुलर चालू है, स्टार्ट है, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया है। तो 24,000 रुपये है, तो यहाँ पर 24,000 रुपये का हमने एंटर कर दिया है और यहाँ से इनको चेक इश्यू किया, तो चेक की जगह HDFC बैंक आपकी आ जाती है और यहाँ पर इसका चेक आ जाएगा, चेक नंबर वगैरह आ जाएंगे, यहाँ पर डेट आ जाएगी और नरेशन यहाँ पर आपको लिख देना है और कंट्रोल एक से एक्सेप्ट करवा देना है, ठीक है। कंपनी इश्यू चेक को फॉर 700 फॉर इंटरनेट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन में आ जाना है और इंटरनेट एक्सपेंसेस पेमेंट कर देना, कितने का है, 700 रुपये की इजी एंट्री है ये, यानी कि पहले वाली एंट्री की कॉपी है, यानी कि हमने लास्ट मंथ में भी करते हैं, यानी कि 2 मंथ हो गए ये एंट्री रिपीट हो रही, तो आपको इसमें ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये सेम कर लेना, चेक नंबर डेट आ जाएगी, यहाँ पर नरेशन आ जाएगा कंट्रोल के साथ से, ठीक है। ये बार बार रिपीट होने वाली है, ये जनरल एंट्री है जो कि हर मंथ में आएगी। कंपनी पेड रेंट ऑफ ऑफिस में रेंट 10,000 रुपये चेक, ठीक है, जून मंथ का आपने ऑफिस रेंट चुका था, पेमेंट ऑफिस में जाना और ऑफिस रेंट आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। कितने का पेमेंट है, 10,000 रुपये का पेमेंट है, ना दे तो भी आपको 10,000 ही लेना है क्योंकि हम रेगुलर 10,000 रुपये तक ही चुकाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर HDFC बैंक आपको, क्योंकि आपने जो पेमेंट किया वो चेक से किया, ठीक है, और एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, यहाँ पर वो डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आती है कंपनी रिसीव चेक अल्फा सॉल्यूशन निपज आर अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, यानी कि आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, यानी कि ये क्या है कि बकाया अमाउंट है वो रिसीवेबल हुआ है, तो आप वो अपने बैलेंस में भी चेक कर सकते हो कि जब भी हम मान लो कि इस पार्टी से पेमेंट करें तो उसको चेक भी करना होता है कि भाई कितना पेमेंट है, तो एक दो तरीके से हम चेक कर सकते हैं। एक तो अपनी ट्रायल बैलेंस में जाके हम चेक कर लेंगे, आसान रहेगा, ट्रायल बैलेंस में आपको चेक लेना, लेकिन यहाँ पर लंबी एक प्रोसेस हो जाती है। देखो यहाँ पर आपको सन्डे डेटर्स चेक करना है, तो सन्डे डेटर्स में आ जाना और एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर अल्फा सॉल्यूशन का कितना अमाउंट बकाया है वो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो बहुत लॉन्ग है, तो इससे हमें शॉर्ट प्रोसेस चाहिए, तो हमें यहाँ पर जैसे कि यहाँ वाउचर पास करें, तो वाउचर्स में हमें रिसीट वाउचर में आगे मान लो कि रिसीट वाउचर पेमेंट रिसीव करना, अभी हमें उस लेजर अमाउंट देखना है कि भाई कितना अमाउंट बाकी है, तो आपको क्या कर लेना, कंट्रोल सी सॉरी कंट्रोल एन प्रेस कर लेना, कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद में उस पार्टी का नेम रख देना है, जैसे कि अल्फा आपको इतना रख देना है, लेकिन स्पेलिंग सही होना चाहिए, अल्फा लिख दो या फिर पूरा नाम लिख दो, मैंने अल्फा लिखा, तो ये देखो आपकी टेली वो ऑटोमेटिक इसको सर्च करके बता दिए है कि अल्फा किस नाम से आपको एक लेजर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर अल्फा सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, 1 जुलाई से दिखा रखा है क्योंकि अभी जुलाई से नहीं, तो जुलाई मंथ तक का ही सर्च करेगा, आगे का सर्च नहीं करेगा, 1,45,000 DR। अब यहाँ पर DR का मतलब डेबिट है, डेबिट का मतलब कि देनदार है, डेबिट बैलेंस इसका मतलब कि इसको लेना है, एसेट्स में आता है DR, तो डेबिट बैलेंस एसेट्स में रखा है, करंट एसेट्स में है, तो इसको हमें लेना है, पेमेंट बकाया है तो इसको लेना है, अगर CR होता तो इसको देना होगा, अभी DR तो इससे लेना है, ठीक है, ये समझ आना, ये आपको ये कब पता चलेगा DR CR का, या सब चीजें आपको कब पता चलेगी, जब आप रेगुलर रूटीन में वर्क करते रहोगे, यानी कि आप प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है, जैसे कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, तो वही चीज है, प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें सब आपके माइंड में परफेक्टली बैठ जाएगी कि DR का यूज क्या है, CR का यूज क्या है,
तो यहाँ पर आपको लेजर दे रखी है उसका 1,45,000, ये डेबिट है। इसका मतलब है कि इनसे पेमेंट लेना है, तो यहाँ पर स्केप्सिस के बाहर आ जाएंगे और यहाँ से आपको अल्फा लेना है ना, कि अल्फा सॉल्यूशन ने पेमेंट किया वो कितने का पेमेंट किया है, ओनली ओनली और 20,000 रुपये का चेक आपको दिया, यानी कि फुल पेमेंट नहीं किया, एक पार्ट किया है पेमेंट, यानी कि पार्ट आपका पेमेंट किया है 90,000 रुपये। तो यहाँ पर 90,000 ले लेंगे और इंटर कर देंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पर बैंक से पेमेंट हुआ था, HDFC बैंक आ जाएगा और यहाँ पर चेक वगैरह की डिटेल आ जाएगी, डेट वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक सेकेंड, यहाँ पर आपका चेक नंबर आ जाएगा, चेक की डेट आ जाएगी, और बैंक की जो ब्रांच है वो आपको ऑनलाइन ही सर्च करके, यानी कि आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए तभी ये सर्च करके देगा। जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप लिख नहीं सकते हैं, आपको यहाँ पर टेली द्वारा प्रोवाइड की ब्रांच को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो वो आपको दे नहीं रखी है क्योंकि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, साथ में नेटवर्क इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर आपका कंपनी पेड ऑफिस एक्सपेंसेस जो फॉर 3,000, तो यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन में आ जाना फिर से, और ऑफिस एक्सपेंसेस को आपको पेमेंट कर देना है 3,000 रुपये से। और यहाँ से HDFC बैंक से इसको एक्सेप्ट करवा देना। फिर नेक्स्ट है कैसे पेमेंट हुआ, तो आप पेजअप करके देख सकते हो, पेजअप से हमें HDFC बैंक से पेमेंट कर दिया, जबकि कैश में करना था। यहाँ पर हम कैश में इसको ले लेते हैं, एंटर कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री है कंपनी विड्रो 4,000 फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स किया तो पेमेंट में होगा, विड्रो यानी कि ड्रॉइंग्स किया है 4,000 रुपये, और कैश में किया तो कैश में इसको लेते हुए इसकी नरेशन यहाँ पर लिख देंगे, एंट्री कर लेंगे। फिर अपनी कंपनी पेड 860 कन्वेंस एक्सपेंसेस कैश में दिया है, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में कन्वेंस बिल आ जाएगा आपका, और कितने का अमाउंट पेमेंट किया है 860, 860 रुपये का आपका कैश में पेमेंट हुआ था, यहाँ पर कैश आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कंपनी नरेशन आ जाएगा किसको कितना पेमेंट दिया है, कंपनी पेड ऑफ पेड कन्वेंस बिल ऑफ आरएस जो भी 860 रुपये, टू रमेश, फोर रमेश पार्टी का नाम आ जाएगा, एक बंदे का नाम आ जाएगा, फोर किस चीज के लिए दिया वो आ जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा। इसको हम कंट्रोल एस से एक्सेप्ट करवा देंगे। इस प्रकार से आपकी एंट्री कंप्लीट होती है। अब ये एंट्री आपको मैं PDF आपको टेलीग्राम पर इसलिए प्रोवाइड करवाता हूँ कि आप उससे अपना खुद से वर्क करें, जो समझ में नहीं आए वो आप वीडियो से हेल्प ले सकते हो, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पे ये जो डे बाय डे के जो ट्रांजेक्शन वो आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। जैसे अप्रैल का भी मैंने प्रोवाइड किया था, मई का भी, जून का भी, अभी जुलाई का भी ये प्रोवाइड हो जाएगा आपको टेलीग्राम लिंक पर। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं अपने प्राइम अकाउंटिंग के टेलीग्राम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जुड़ जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करना है, इनकी प्रॉपर एंट्री है वो आपको दी हुई होती है, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो सभी एंट्री का सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको मैनेज कर सकते हो। ये जब तक हो, जहाँ तक हो सके आप सेल्फ यानी कि इंट्री की सहायता मत लीजिए, आपको इंट्री की सहायता नहीं लेनी है, डायरेक्ट इसको एंट्री को पढ़ना है और सोल्व करना है। कोई एंट्री में कन्फ्यूजन है तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो, इसमें मैंने सब मैंशन किया है कि भाई वाउचर पेमेंट है, अगर नई लेजर आई है तो कोई कभी नई लेजर आती है तो मैंने उसका अंडर भी आपको प्रोवाइड करवाया, जो भी नई लेजर ST का मतलब सेंट्री डेबिटर्स, SC का मतलब सेंट्री क्रेडिटर्स, वो सब मैंने प्रोवाइड करवाया, तो वो यहाँ से भी हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप ये कर लेना, जब आप एंट्री कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारी डे बुक है वो तो कंप्लीट एंट्री, जितनी एंट्री हमने की है वो यहाँ से है, कोई एंट्री हटानी है, देखनी है, एडिट करनी है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या कर लेना, जब वर्क कंप्लीट हो जाए तो आपको एक बार बैलेंस पे नजर डाल लेना, यानी कि मेरे वाले बैलेंस में और अपने वाले बैलेंस में मैच कर लेना कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब मेन चीज क्या होती है, मेन चीज आपको ये मिलानी होती है कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलना चाहिए, ये 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 मिलना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका ये कंप्लीट रहना, ये 4-5 चीजें वो मिलनी ही चाहिए, ठीक है, ये आपको मैच कर लेना है, थोड़ा सा एक बार नजर मार लेनी है, जैसे कि वो तो लगभग आपका सेम ही होगा, तो इसलिए आपको ये चेक कर लेना है। अगर ये सही है तो एग्जैक्ट आपकी एंट्री सब सही है और सब वर्क ओके है तो वो आपको जांच कर लेना। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
थैंक यू।